नमस्कार फ्रेंड, मैं पीटर बेरा फिर से स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जो है गार्डनिंग टिप्स। आज मैं आपको क्रिसैंथेमम्स के कटिंग्स को पॉट करना सिखाऊंगा कि एक्चुअली क्रिसैंथेमम्स के जो पॉट होते हैं, जो कटिंग्स होती है, वो इस टाइप के होते हैं। ये एक्चुअली एक कटिंग है, इसके नीचे देखिए ये इसकी जड़ें हैं। इसको कैसे पॉट करना है, इसके लिए मैंने 4 गमले तैयार कर लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैं पहले से ही इसे तैयार कर रखा है। एक्चुअली क्रिसैंथेमम्स में अगर आपको अच्छा सा ब्लूम लाना है या ज़्यादा बर्ड्स चाहिए तो आपको उसको 8 इंच के पॉट में शिफ्ट करना होगा। तो मैंने सारे 8 इंच के पॉट्स हैं 4, बहुत सारे पौधे हैं, सारे पौधों को पॉट करना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में कवर कर पाऊँ मैं, तो इसलिए मैं कुछ 4 पौधे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसे पॉटिंग करना होता है। एक्चुअली आपको जो इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करना है, इसमें 3 चीज़ चाहिए: बालू मिट्टी, गार्डनिंग सॉइल और कोकोपीट। इसमें आप कोकोपीट, बालू मिट्टी और कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप मिला के तीनों इक्वली हिस्से में मिला लीजिएगा ताकि वेल ड्रेनिंग सॉइल मिल जाए। देखिए आप, ये वेल ड्रेनेज है, इसमें पानी नहीं रुकेगा, जितना मॉइस्चर चाहिए उतना ही मिलेगा। तो बनाने के बाद आप इसे भर लीजिएगा। उसके बाद इसकी कटिंग्स को आप पकड़िए, ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे इजीली आपको, ये किसी भी गार्डन के नर्सरी में। कटिंग्स लगाने का फ़ायदा ये है कि आप इसे अच्छे से ग्रो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भूसी बना सकते हो। किस टाइप से ग्रो करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पौधा खरीद के लाओगे तो वो माली लोग आपको बना बनाया पौधा देंगे, तो उसे आप अपने हिसाब से बड़ा या अपने हिसाब से भूसी है जैसा आप बनाना चाह रहे हो वो नहीं बना पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कटिंग्स लाएँ, क्योंकि कटिंग्स लाने से ये आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मार्केट में आपको ये 10 से 12 रुपये या 15 रुपये का मैक्सिमम मिलेगा एक कटिंग। ये सारे डबल वैरायटी के हैं, आप देखिए इसके जो पत्ते हैं ये थोड़े बड़े हैं। कुछ मेरे पास कटिंग्स हैं जो सिंगल के कटिंग्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, समय दीजिएगा, अभी दिखा देता हूँ। आप तब तक मैं आपको इसकी पॉटिंग सिखा देता हूँ। सिंगल्स की कटिंग्स जो है वो सिंगल के पत्ते और इसके पत्ते में डिफरेंट है, आप मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये सिंगल है, इसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं और इसके पत्ते बड़े होते हैं। ये सिंगल और डबल में दोनों में थोड़ा चेंजेस है, आप खुद देख सकते हैं इसका प्लांट का जो साइज़ है अलग है। सिंगल में जो फ्लावर्स का वैरायटी है वो सिंगल होता है, और ये पॉम्पम वैरायटी है, और बॉल वैरायटी का पौधा भी कुछ इस टाइप से। डिफरेंसेस जो सबसे बेस्ट होती हैं इनके पत्तों के साइज़ के ऊपर होता है, जितना बड़ा पत्ते का साइज़ होगा उतने फ्लावर की साइज़ भी उतनी बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये एक्चुअली डबल है, बॉल वैरायटी है, इसके पत्ते से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है। ये मीडियम है, ये पॉम्पम वैरायटी है, इसलिए आपको पत्ते की हेल्थ देख के समझ जाएंगे। और जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो सिंगल वैरायटी का होता है, देखिए। तो आप आइए दोस्तों इसे पॉट करते हैं, कैसे पॉट करना है। तो इन्हें साइड में कर देता हूँ पहले पॉटिंग में। पहले आप पॉट इसे भर लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से इसे हल्के से प्रेस कीजिएगा और ठोक लीजिएगा ताकि अंदर का जो एयर बबल से वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद बीच की हल्की सी मिट्टी आप साइड में कर दीजिए और बीच में होल प्रोड्यूस करें, देखिए। अब मैं क्या करूँगा, एक अच्छा सा पौधा उठा लेते हैं हम लोग। मैं ये वाला पौधा ले लेता हूँ जो मैंने दिखाया था। अब मैं इसके नीचे का जो कैप है वो हटा देता हूँ, देखिए मैंने इसके नीचे का ये कैप हटा रखा है, कैप हटा दिया है। अब इसकी जड़ें हैं वो इस टाइप से, देखिए आपको रूट्स जो है दिख रही होंगी, ये इसके रूट्स हैं, हल्के हल्के रूट्स हैं। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसकी मिट्टी नहीं हटाऊँगा, ना ही आपको हटाना है, इसे ऐसे पॉट कर देंगे। पॉट करने के बाद आप इसको मिट्टी जो है चारों से प्रेस कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा लीव है इसे मैं पिंच के आउट कर देता हूँ ताकि ये गलेगा नहीं। सेम प्रोसीजर रखना है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी मैंने हटाई थी उसे मैं साइड में दबा देता हूँ। साइड से चारों से आपको ये हल्का सा जेंटली प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा गाइस। जेंटली प्रेस करने के बाद इसे आपको रख देना है। ध्यान दीजिएगा कि 2 दिन तक इसे डायरेक्टली सनलाइट में मत रखिएगा, शेडी एरिया में रखिएगा। 2 दिन बाद इसे आप डायरेक्टली सनलाइट में आप रख सकते हैं। आप इसे पॉटिंग करते समय इसे कोई भी आप खाद या कोई भी कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र ना मिलाएं बस। तो गाइस प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। मैं आपको अभी विंटर सीजन स्टार्ट हुआ है तो मैं आपको लेटेस्ट वैरायटी के फ्लावर्स में कैसे ग्रो करना है, कैसे फर्टिलाइज़र डालना है, उन सब का मैं वीडियो बताऊँगा। और जब ब्लूम सीज़न स्टार्ट होगा तो मेरे पौधे कैसे ग्रो किए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।